हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ चुका हूँ फिर से एक और धमाकेदार वीडियो। आज का वाला वीडियो बहुत ही कमाल का व इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, गाइज इस वीडियो में मैं आपको चार टॉपिक बताने वाला हूँ। एक तो हम अपनी आरपी को हेड कैसे कर सकते हैं, और गाइज दूसरा जो ऑप्शन आ जाता है, और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए जो हमारा फ्रेंड है इसमें हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। तो गाइज इस ऑप्शन को कैसे हेड कर सकते हैं, और गाइज हमारा जो कैरियर रिजल्ट होता है उसे हेड कैसे कर सकते हैं, गाइज मैं आपको चार सेटिंग बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हमें यहाँ पे तीर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। सिंपली तरीके से सेटिंग पे क्लिक करके सेटिंग ओपन कर लेनी है। तो गाइज हमें नीचे की तरफ आना है, और जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें पहला जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, अलाउ अदर टू सी योर रिजल्ट। और गाइज इसे अगर हम ऑफ कर देंगे तो गाइज यहाँ पे जो हमारे अदर्स जो रिजल्ट है, यानी कि जो हमारा कैरियर रिजल्ट है गाइज, वो यहाँ से हेड हो जाएगा। जैसे हम अपने रैंडम बंदों के साथ खेलते हैं तो गाइज वो हमारी जो केडी है वो चेक हो जाती है। तो गाइज अगर हम इसे यहाँ से ऑफ कर देंगे तो हमारी जो केडी और जो भी हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। जैसे हमने कितने मैच खेले हैं और कितने की हमारी केडी है, वो इसे हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ करके हम बहुत ही आसानी से अपनी केडी को हेड कर सकते हैं। गाइज दूसरा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है हमें, सो आउटफिट, यानी कि जो हमारे आउटफिट होते हैं गाइज उन्हें भी हम यहाँ से हेड कर सकते हैं। और गाइज अगर हम इन्हें दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से अनेबल रहने देना है। और गाइज तीसरा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे हमारा कोई भी फ्रेंड होता है और अपने फ्रेंड के साथ में उसने मैच स्टार्ट कर रखा है, और उस फ्रेंड को हम बहुत ही आसानी से हमें एक ऑप्शन प्ले का देखने के लिए मिल जाता है, और वहाँ से हम प्ले करके उसे हम देख सकते हैं कि कौन बंदा किस बंदे के साथ खेल रहा है। और गाइज अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा कोई भी फ्रेंड हमें ना देखे तो गाइज यहाँ से हम इसे ऑफ करके हेड कर सकते हैं। और गाइज चौथा जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गाइज, ये भी इसी तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये जो हमारा हम फ्रेंड है, हम अपने फ्रेंड को कोई भी मैच में होता है उसे हम रिमाइंडर में जो भेजते हैं तो गाइज यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं, वो जो ऑप्शन है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और किसी भी फ्रेंड को हम रिमाइंडर में भेज नहीं सकते। तो गाइज अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को भी ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज नीचे ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है, रॉयल पास इन्फॉर्मेशन। तो गाइज इसका जो काम होता है ये होता है, जो हमारा रॉयल पास की जो आरपी का जो लोगो होता है, अगर हम इसे हेड करना चाहते हैं तो गाइज इसे भी हम हेड कर सकते हैं। जैसे हम लॉबी में जाते हैं मैच प्ले करने के बाद में, तो गाइज वहाँ पे हमें लोगो दिखता है, अगर हम इसे लोगो को ऑफ करना चाहते हैं तो गाइज यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज जो जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दी है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।